तो आज के इस क्लास में मैं ऊपस के चारों कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया ना एब्सट्रेक्शन इन कैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को हम लोग यूज़ करेंगे विजो स्टूडियो में एज अ कंसोल एप्लीकेशन के भी यहाँ पे जो मैंने आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन कल बताया था आज हम लोग कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे ब्लैक कलर की स्क्रीन जिसमें एक प्रॉम्प्ट होगा और वहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू इन चारों को अचीव करेंगे और तो देखोगे आप कैसे कैसे अचीव करना है हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग कोड के थ्रू यूज़ करने वाले हैं तो ना सबसे पहले हम विज़ो स्टूडियो ओपन कर लेते हैं तो स्टार्ट में जाते हैं यहाँ से विज़ो स्टूडियो ओपन करते हैं मेरे पास ट्वेंटी ट्वेंटी टू है अगर आपके पास कोई ओल्डेस्ट वर्जन भी है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको ठीक है तो ये मेरा स्प्लैश स्क्रीन कहलाता है इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन स्प्लैश का मतलब वो बता रहा है कि वट इज़ द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू ओपन तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विज़ो स्टूडियो है ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्जन है उसका ये हमारा सबसे पहला है पहला फॉर्म होता है स्टार्टअप बोलते हैं स्टार्टअप फॉर्म जिसके अंदर में रिसेंट प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जो पहले से बने हुए हैं और ये वाला है जो आप नया प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन कर सकते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अब आपको कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है सी शार्प सेलेक्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्या है एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मल्टीपल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल लैंग्वेज देखो यहाँ पे एक सिंगल लैंग्वेज सेलेक्टेड है कौन सा देखो बकई सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें अगर मैं सी शार्प सेलेक्ट करता हूँ तो इन सी शार्प in c sharp we can develop in c sharp we can develop in c sharp we can develop android azure ios linux mac team tv operating system windows xbox gaming मतलब इतने तरह के एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज के थ्रू so this is this platform provided by microsoft c sharp is already developed language उसमें नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं किया है उसमें कुछ थोड़ा सा मैनेज किया है. because that's why c sharp is called managed code ठीक है उस मैनेज कोड के थ्रू यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन तो मुझे अभी फिलहाल क्या करना है कंसोल बनाना है तो मैंने कंसोल सेलेक्ट किया तो यहाँ देखो आगे यहाँ पे मेरे तो दो आगे कंसोल के एक कंसोल एप्लीकेशन विथ डॉटनेट फ्रेमवर्क के थ्रू अगर आप बनाते हो जो भी हम बनाएंगे तो उसमें आप विंडोज टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो विंडोज और कंसोल सी सीशाप के थ्रू लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज कोर यूज़ करते हो तो कोर के साथ आप लिनक्स में भी मैक में भी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है तो हम लोग डॉटनेट फ्रेमवर्क का देखेंगे बिकॉज हम डॉटनेट फ्रेमवर्क कर रहे हैं अभी तो डॉटनेट फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हैं नेक्स्ट पे जाएंगे तो एक एप्लीकेशन का नेम आएगा जैसे ये बाई डिफॉल्ट एट के नाम से आ रहा है कंसोल एप्लीकेशन आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो बाई डिफॉल्ट ये जो एप्लीकेशन है ये एस पी डॉट नेट एक फोल्डर है ई e ड्राइव के अंदर में उसमें जाके स्टोर हो रहा है अगर आप इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो कोई भी डायरेक्टरी आप सेलेक्ट कर सकते हो और आप चाहते हो कि जो इस जो ये फोल्डर बन रहा है कंसोल एप्लीकेशन एट के नाम से जो फोल्डर बन रहा है उसी के अंदर मेरी उसी के अंदर मेरे एप्लीकेशन की सोलूशन फाइल सोल्यूशन फाइल मतलब एक सोल्यूशन फाइल होती है इसके अंदर में जो कि आपके पूरे इंटायर एप्लीकेशन के पेजेस को बाइंड करके रखता है तो अगर आप चाहते हो कि वो सोल्यूशन फाइल भी आपके उसी फोल्डर में स्टोर हो जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे टिक कर दोगे तो उसी में होगा अगर आप टिक्स हटा देते हो तो नहीं होगा करंटली आपके पास जो फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है कौन सा है? लेटेस्ट फ्रेमवर्क हो रहा है फोर <coughs> इतने सारे फ्रेमवर्क जो मैंने आपको कल बताए थे देखो तो सारे फ्रेमवर्क है 4.8 भी मेरे पास में है लेकिन ये 4.7.2 पे भी बना सकते हो और 8 पे भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट तो मैंने 4.7.2 कर लिया जो बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रहा था और यहाँ पे मैं आके क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ अब क्या है कंसोल ऐप 8 के नाम से विजुअल स्टूडियो क्या करेगा एक फोल्डर क्रिएट करेगा इस ड्राइव के अंदर में ई e ड्राइव के इस ड्राइव के अंदर में और वहां पे जो इनिशियल उसको जो चाहिए, जो उसको चाहिए इन इनिशियल उसको नेम स्पेस चाहिए इनिशियल जो उसको रिसोर्सेज चाहिए वो सब कुछ आपको वो दे देगा और एक फोल्डर वहां पे क्रिएट कर देगा उस फोल्डर के अंदर और एक एप्लीकेशन आपके पास ओपन कर देगा ठीक है तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो विजुअल स्टूडियो की वजह से हो रही है उस प्लेटफॉर्म की वजह से हो रही है और जैसे मैंने इसको ओपन किया मेरे पास ये पूरा सोल्यूशन ओपन हो गया और आप देखोगे अगर तो ये देखो कंसोल एप्लीकेशन एट के नाम से है ये यहाँ पे एक सोल्यूशन एक्सप्लोर है सोल्यूशन मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट अ अलूशन अबाउट अ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना रहे हैं ना हम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या सोलूशन ही हो गया तो सोलूशन एक्सप्लोर के नाम से एक विंडो होती है इसके अंदर में जितने भी फॉर्म्स आपके होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे आपको अभी इनिशियल इनके पास में क्या है एक क्लास है क्लास का नाम क्या है प्रोग्राम डॉट सी एस क्यों सी एस क्यों है क्योंकि सी शार्प है हमने लैंग्वेज यूज करी सी शार्प तो उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा सी एस अगर हम पाइथन यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा पाइथन पी वाई अगर हम सी प्लस प्लस यूज करेंगे तो आ जाएगा डॉट सी पी पी राइट तो ये क्लास है इस क्लास के अंदर में जो मैंने आपको कल नेम स्पेस बताया था देखो ऑलरेडी नेम स्पेस लिखे हुए आगे जो उनको लगता है कि इनिशियल लेवल पे इस एप्लीकेशन को जो नेम स्पेस चाहिए वो उन्होंने आपको इस यहाँ पे दे दिया है ठीक है उसके बाद ये एक नेम स्पेस है जो आप बना रहे हो प्रोग्राम वो जो आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो वो भी एक नेम स्पेस की तरह ही काम होगा क्योंकि इट अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप रिलेटेड क्लासेस मैंने क्या बोला था नेम स्पेस का क्या बताया था आपको डेफिनेशन इट्स अ लॉजिकल ग्रुप रिलेटेड क्लासेस यानी कि जो मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ वो भी कल की डेट में एक नेम स्पेस हो सकता है मैं सब उसको एक कैलकुलेटर बनाऊँ तो कैलकुलेटर के अंदर में ये जो मैं बनाऊंगा कैलकुलेटर कैलकुलेटर के अंदर में कैलकुलेटर से रिलेटेड ही क्लासेस होंगी अगर मैं यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन एट कंसोल एप्लीकेशन एट को मैं कहीं पे भी कॉल करूंगा तो इसके अंदर में जितने भी क्लासेस हैं वो तो वहाँ पर यूज़ में आएंगी उस एप्लीकेशन को रिसोर्सेज देंगे जैसे कि ये बने हुए हैं सिस्टम सिस्टम को कॉल करेगा जो रूट है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक सारे डेटा टाइप को कॉल करेगा लिंक यू लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वायरी यानी सी शीश के साथ हम डायरेक्टली लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके क्वायरी लिख सकते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट की जो मैं आके बताऊँगा आप लोगों को फिर यहाँ पे टैक्स को टैक्स इनपुट आउटपुट करा सकते हो यानी कि स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है टैक्स और थ्रेड सिस्टम डॉट थ्रेडिंग यानी कि मल्टी थ्रेडिंग सेम टाइम पे कई सारे थ्रेड्स हम चला सकते हैं यानी कि अगर हम सेम टाइम पे एक हमने स्टार्ट करा तो स्टार्ट करके हम उसको पॉज भी कर सकते हैं और हम उसको उसको स्टॉप भी कर सकते हैं एक थ्रेड को तो मल्टीपल थ्रेड्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो कुछ नेम स्पेसेस हैं ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने यूज किए हुए ये आपका हो गया नेम स्पेस का नाम और यहां से एक क्लास शुरू होता है इस क्लास का नाम इंटरनल कीवर्ड से स्टार्ट है अब ये इंटरनल क्या है एक्सेस स्पेसिफायर किसी भी क्लास को अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले उसका एक्सेस देते हो किसी क्लास को अगर आप डेवलप करते हो तो उसका एक एक्सेस देते हो क्या आप चाहते हो क्लास आउटसाइड जैसे मैंने आपको बताया था इनकेप्सुलेशन का एग्जाम्पल इनकेप्सुलेशन में क्या था कि हम लोग जब इस चीजों को बना रहे थे अगर हम उसको प्राइवेट कर देंगे तो क्या वो क्लास के बाहर एक्सेस होगा नहीं ना अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कोडिंग का पार्ट है ना जो कि हम लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम प्राइवेट रखेंगे प्राइवेट का मतलब वी आर जस्ट प्राइवेट का मतलब एक्सेस विथ इन अ क्लास ओनली यू 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 ऑल द मोड्यूल्स कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट बट सेम क्लास के अंदर सेम क्लास के अंदर में यूज कर सकते हैं बट हम आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो मैं बनाऊंगा एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट उसको बाहर की दुनिया को यूज कराना है तो मुझे उसको क्या लगाऊंगा पब्लिक पब्लिक मतलब विद इन अ क्लास आउटसाइड क्लास एंड आउटसाइड द एप्लीकेशन प्राइवेट का मतलब विद इन अ क्लास ओनली क्लास के अंदर ही अगर तुम्हारे क्लास में डिफाइन कर मेरी क्लास में डिफाइन है तो सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ अगर मेरी कोडिंग मेरी क्लास में डिफाइन है मैं बना रहा हूँ तो सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ आप लोग भी नहीं एक्सेस कर पाओगे लेकिन मैं आपको एक्सेस दे सकता हूँ जिसको मैं चाहूं उसको एक्सेस दे सकता हूं लेकिन विद इन एप्लीकेशन ओनली राइट उसको एज अ पब्लिक करके मैं इसको आपको एक्सेस दे सकता हूं आपको मैं ड्राइव बना दूंगा और आपको बोलूंगा यूज कर सकते हो हाँ इंटरनल से इंटरनल का मतलब हो गया विद इन अ क्लास मैं चाहता हूं कि जो कोडिंग है ये सब जगह शेयर हो क्योंकि आपको भी जरूरत पड़ेगी आपको भी जरूरत पड़ेगी सबको जरूरत पड़ेगी तो मैंने क्या किया उसको एज अ इंटरनल यूज कर लिया इंटरनल विद इन अ एप्लीकेशन एंड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड द क्लास कैनॉट एक्सेस दिस पब्लिक में क्या था विद इन अ क्लास विथ इन एप्लीकेशन एंड आउटसाइड द एप्लीकेशन अगर मुझे किसी कस्टमर कोई आउटपुट देना है ये एक सी बनाना है तो मैं उसको पब्लिक बनाऊंगा यानी कि जो मेरे को एब्सट्रैक्ट मैथड अगर बनाना है किसी चीज़ का एब्सट्रैक्ट मैथड तो मैं उसको क्या बोलूँगा पब्लिक लेकिन अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ हम लोग आपस में यूज करें तो हम लोग इंटरनल यूज़ करेंगे तो बाई डिफॉल्ट ट्वेंटी 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 टू के अंदर में जब कोई भी क्लास अगर आप लेते हो तो बाई डिफॉल्ट वो इंटर्नल के नाम से होता है जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड पब्लिक तो आप बोल सकते हो इंटरनल मतलब विद इन एप्लीकेशन ओनली एंड पब्लिक मतलब विद इन एप्लीकेशन एंड आउटसाइड द एप्लीकेशन एप्लीकेशन बी कैन ऑल्सो एक्सेस दिस अगर इट इज़ डिक्लेयर एज अ पब्लिक और इंटरनल हो गया तो सिर्फ विद इन एप्लीकेशन यानी कंसोल एप्लीकेशन एट ही एक्सेस करेगा दूसरा नहीं कर सकता ठीक है उसके बाद ये क्लास हो गया जो की है और क्लास का एक नाम हो गया क्या प्रोग्राम के नाम से प्रोग्राम इज द नेम ऑफ क्लास इसका एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ से स्टार्ट है यहाँ बंद है क्लास के अंदर में देखो ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के अंदर में यहां पे आ स्टैटिक वाइट मेन ये एक फंक्शन है क्लास के अंदर एक फंक्शन है स्टैटिक स्टेटिक मतलब कॉन्स्टेंट का मतलब कॉन्स्टेंट स्टैटिक का मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते डायनेमिक का मतलब चेंज करना स्टैटिक का मतलब कॉन्स्टेंट हो गया स्टैटिक वाइट वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया नल ये रिटर्न टाइप है वाइट मतलब जो ये जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या है तो उसका टाइप वर्ड है फंक्शन का कोई रिटर्न मेरे को नहीं चाहिए तो दिस इज वॉइड एंड मेन इज अ नेम ऑफ फंक्शन और उस मेन के अंदर में जो कुछ पैरामीटर पास हो रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर हो रहे हैं स्ट्रिंग आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स ये एक फंक्शन है जो कि आपको याद रखना होगा इस फंक्शन को हम यूज करके एप्लीकेशन को हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि जहां पे ये फंक्शन होंगे एप्लीकेशन वहीं से एग्जीक्यूट होगा ठीक है तो अभी क्या है अभी हमारे पास एक प्रोग्राम नाम से क्लास हो गया अब मुझे क्या करना है मुझे एक एबस्ट्रैक्शन और इन कैप्सुलेशन अचीव करना है तो मैं क्या करता हूँ एक नया क्लास ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में जाते हैं ये कंसोल एप्लीकेशन एट राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके एक नया क्लास बनाते हैं क्योंकि तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरी का पूरी की पूरी, पूरी क्लास है आपकी अंदर दीज आर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट हो गया इस क्लास का जिसका नाम क्या है मेन मेन इजे नेम ऑफ फंक्शन यहाँ पे एक नया क्लास मैं बना रहा हूँ तो ऐड किया मैंने यहां पे ऐड न्यू आइटम न्यू आइटम के अंदर में कोड कोड में अंदर में क्लास ले लेता हूं मैं क्लास का नाम मैं ले लेता हूं यहां पे बाइक बाइक के नाम से मैंने एक क्लास ले ली सी एस ऑटोमेटिकली एड हो जाएगा देखो यहाँ पे सोल्यूशन इस प्रोग्राम में बाइक के नाम से एक और एक क्लास आ गया इसका नाम है बाइक डॉट सी एस और एक है प्रोग्राम डॉट सी एस जो ऑलरेडी बना हुआ था वो था और ये बाइक डॉट सी एस के नाम से अभी मैंने क्लास ऐड किया ऑलरेडी नेम स्पेसेस जो थे वो आ गए जो इसको चाहिए फंक्शनलिटी इस बनाने के लिए ये ये नेम स्पेस के अंदर ही था इसलिए नेम स्पेस आ गया और यहाँ पे आ गया बाइक इंटरनल क्लास बाइक अब इस बाइक के अंदर कुछ मैं कुछ बाइक की प्रॉपर्टी में बनाने जा रहा हूँ बाइक की कुछ प्रॉपर्टी मैं बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर में बाइक का क्या होगा अपना एक नाम भी हो सकता है उसके प्राइस हो सकते हैं उसके कलर हो सकते हैं और बाइक की कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है कुछ इंजन इंफॉर्मेशन हो सकती है राइट right? तो मैं बाइक की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इस क्लास में डिक्लेयर कर रहा हूँ अब इसको आप इस क्लास को जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ जो बना रहा हूँ दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इनकेप्सुलेशन डेवलपिंग कर रहे हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनकेप्सुलेशन जहाँ पे बाइक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे बाइक यूज़ होंगे वो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ Right? एब्स्ट्रेक्शन राइट उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन डिटेल इनके तो करूंगा कुछ डेटा कुछ मैथड्स को तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूं जो प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं कि आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस हो तो मैं उसको पब्लिक लिखूंगा जैसे मैंने लिखा पब्लिक रिटर्न टाइप इसका क्या स्ट्रिंग वहां पे मैंने उस मेथड का रिटर्न टाइप क्या दिया था, Void. क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रिटर्न करे फंक्शन टाइप दे रहा हूं एक ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है बाइक नेम की जगह कुछ भी ले सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इक्वल्स टू एक मैंने कोई नाम बुलेट 350 मैंने एक नाम दे दिया ये जो नाम है ये जो लाइन मैंने लिखी है इसमें आ मैंने सेमी कॉलन लगाया ये एक स्टेटमेंट कहलाती है इसको आप स्टेटमेंट कह सकते हो एक कोई भी प्रोग्राम की एक लाइन को आप स्टेटमेंट कह सकते हो ये मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है ये मैं इसको एक्सेस के थ्रू मैं एक्सेस दे रहा हूँ कि क्या ये आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस होगा बाइक का नेम आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस होगा या नहीं होगा वो आपके डिपेंड करता है वो डेवलपर पे डिपेंड करता है कि ये क्या एक्सेस होगा बाहर या नहीं होगा मैं चाहता हूँ एक्सेस हो तो मैंने पब्लिक दिया अब जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा तो टाइप ऑफ डेटा क्या है स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि मुझे नाम देना है मुझे नाम देना है तो मैं एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता हूँ ठीक है और दिस इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है जो कि तुमने स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन किया है इसका नाम ये है तुमने बाइक और ये होगी इसकी वैल्यू डबल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है स्ट्रिंग टाइप का इसलिए हम डबल कोर्स में लिखेंगे उसी तरह से मैं दूसरी प्रॉपर्टी एक और डिक्लेयर करूंगा उसका कलर तो कलर भी मैं चाहूंगा कि क्या हो जाए स्ट्रिंग टाइप का यूज है बाइक कलर बाइक कलर मैंने किया डबल कोर्स में ब्लैक और मैं चाहता हूं उसका प्राइस भी डिक्लेयर हो जाए प्राइस को भी मैं ले लूं तो पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का ही ले लेते हैं बाइक प्राइस प्राइस भी ले लिया मैंने और वो स्ट्रिंग टाइप का लिया तो मुझको डबल कोर्स में देना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि वो इंटीजर में आ जाए तो मैं इंटीजर में भी ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ उसको कि डेसिमल में आ जाओ तो डेसिमल भी हो सकता है अब यहाँ पे इसका टाइप मैं चेंज कर देता हूँ डेसिमल कर देते हैं डेसिमल कर दो या डबल कर दो चलो डेसिमल ही ले लेते हैं ठीक है डेसिमल टाइप ले लिया और डेसिमल में अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं कोई भी डेसिमल वैल्यू भी ले सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी और मैं डेसिमल पॉइंट भी ले सकता हूँ पॉइंट्स भी ले सकता हूँ क्योंकि मैंने डेसिमल लिए हुए हैं और उसके बाद अब मुझे एक और प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस हो तो मैं इसको कैसे करूँगा प्राइवेट 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 लिखूंगा ना मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ कन्फ्योगेशन है इंजन कन्फिग्रेशन है मैं नहीं चाहता आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस हो तो मैंने ले लिया उसका डेटा टाइप मुझे लेना होगा स्ट्रिंग ले लिया मैंने कुछ भी ले सकता हूँ मैं जो मेरा डेटा होगा उसके हिसाब से ले सकता हूँ मैं स्ट्रिंग और बाइक इंजन इंजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने डाल दिया जो कि मैंने क्या किया प्राइवेट ले लिया इसलिए कि जब ये एक्सेस हो जब ये बने तो, तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी हमें क्योंकि इंजन नहीं लगाओगे तो बाइक किस काम के इंजन तो लगाना ही लगाना है लेकिन इस क्लास के लिए तो क्या है ये जो बाइक क्लास है उसके लिए सबके लिए पब्लिक है इस पूरी क्लास में एक्सेस होगा लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा आउटसाइड द एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होगा लेकिन मुझे तो चाहिए यहाँ पे जहां पे इसको डेवलप कर रहा हूं तो दीज आर द प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोल सकते हो आप दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास की प्रॉपर्टी हो गई क्लास की प्रॉपर्टी हो गई है अब मैं इस क्लास को एक्सेस करने के लिए कुछ मैथर्स बनाऊंगा आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस करने के लिए कुछ मैथड्स बनाऊंगा तो मैंने सिर्फ नाम नाम डिक्लेयर कर दिया लेकिन नाम को कॉल करने के लिए कुछ तो बनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू कॉल करोगे नाम को कॉल करोगे कलर को कॉल करोगे या प्राइस को कॉल करोगे या इंजन फार्मूला को कॉल करोगे तो उसके लिए कुछ मैथड्स बनाने पड़ेंगे तो वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट मैथड्स मैथड्स क्लास के मैथड्स बना रहे हैं अब मुझे किसके लिए बनाना है बाइक नेम के लिए बनाना है तो मैं नेम किस नेम चाहता हूं मैं आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस हो तो जो मैथड मैं बनाऊंगा उसका भी रिटर्न टाइप होगा तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा स्ट्रिंग ही होना चाहिए और उसका एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर क्या होना चाहिए पब्लिक तो क्यों क्योंकि मैं मैं नेम को बाहर भी कॉल करना चाहता हूं उसका रिटर्न टाइप दिया स्ट्रिंग और उसका नाम मैंने दे दिया गेट नेम गेट नेम एक हमने नाम दे दिया और उसके अंदर मैंने रिटर्न क्या करा दिया नीचे मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या करा दिया बाइक नेम को जो बाइक नेम मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया था मैंने उसको रिटर्न करा दिया तो ये क्या करेगा जब ये मैथड आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस करेगा गेट नेम तो ऑटोमेटिकली बुलेट थ्री फिफ्टी कॉल हो जाएगी वहां पे जो उनके स्टॉक में अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जो स्टॉक उन्होंने रखा हुआ है जो स्टॉक में नहीं है वो नहीं होगा ठीक है तो ये एक मैथड बनाया किसके लिए हमने नेम के लिए उसी तरह से कलर के लिए बनाएंगे सेम को मैं कॉपी कर रहा हूं किया मैंने और यहां पे मैंने किया नेम की जगह पे कलर गेट कलर और यहां पे मैं किसको रिटर्न करा दूंगा कलर को बाइक कलर को मैंने रिटर्न करा दिया उसके बाद तीसरा बनाया कलर के बाद क्या था प्राइस और प्राइस के लिए मैंने प्राइस को रिटर्न करा दिया और फोर्थ वन क्या था प्राइस इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने रिटर्न टाइप गलत डाला था वहां पे क्या दिया था हमने decimal? और यहाँ हमने डबल कर दिया इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप का ही दिया था और ये हमने देते हैं private. प्राइवेट क्यों क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड वर्ल्ड एक्सेस हो ये सिर्फ हमारी फैमिली के लिए है कि हमारी फैमिली एक्सेस कर पाए हम पांचों यूनिट एक्सेस कर पाए तो हमने प्राइवेट दे दिया गेट इंजन गेट इंजिन और यहां पर मैंने रिटर्न किसको कराया इंजिन को तो यह हमने चार पांच मैथड बना दिया अकॉर्डिंग टू द क्लास तो दिस इज अग्जाम्पल ऑफ इन कैप्सुलेशन व्रैपिंग ऑफ डेटा मैथड टूगे इन टू अ सिंगल यूनिट व्रैपिंग ऑफ डेटा मैथड टूगेदर इन अगल यूनिट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन कैप्सुलेशन ठीक है ये इनकेप्सुलेशन का एग्जाम्पल हो गया डेटा भी है मैथड भी है टूगेदर इन अ सिंगल यूनिट आउटसाइड द वर्ल्ड इसको एक्सेस नहीं कर सकता जो चाहेगा ये जो चाहेगा वही करा सकता है अब ये क्या चाहता है ये चाहता है इन तीनों को पब्लिक बना के एक्सेस कराना तो है कर सकता है अब कैसे करेगा जिस क्लास में मेन फंक्शन डिक्लेयर होगा वही एक्सेस हो सकता है अब मेन फंक्शन तो यहाँ पे है नहीं तो मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें ऑलरेडी मेरे पास में एक प्रोग्राम के नाम से मेन फंक्शन बना हुआ है तो मैं इस प्रोग्राम के अंदर आ जाता हूँ ठीक है एप्लीकेशन तो सेम ही है ना एप्लीकेशन का नाम कंसोल एप्लीकेशन ए है उस एप्लीकेशन में मैंने एक प्रोग्राम के नाम से एक मेन फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ था इसमें सॉरी क्लास बनी हुई है उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर हम आ जाते हैं अब इस मेन फंक्शन में उस क्लास का मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है दिस इज एब्सट्रेक्शन क्लास को इस क्लास का मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है जिस क्लास का नाम क्या है बाइक तो बाइक के नाम से मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास में और उसके थ्रू उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे एक्सेस करना है वो सारी प्रॉपर्टी बाइक क्लास यहाँ पे है इस बाइक क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको कहाँ बनाना है इस प्रोग्राम पे अब चाहो तो यहाँ पे भी एक क्लास नया बना सकते हो नीचे लेकिन मैं वो सी क्लास में पहले वाले क्लास में बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा उस क्लास का नाम क्या नाम था बाइक 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 ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है मैंने बी ले लिया चलेगा बी के ले लेता हूँ चलो बीके के नाम से मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना होता है इक्वल्स टू न्यू बाइक ये कह रहा है कि बीके इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ बाइक न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ बाइक न्यू क्या करेगा उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा न्यू कीवर्ड क्या करेगा उस बीके के लिए एक न्यू मेमोरी एलोकेट कर देगा कि भाई तेरे लिए ये जगह दे दी मैंने इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन के रिसोर्सेस हैं जो रन टाइम पे आएंगे आप उसको अंदर में आपको स्टोर कराना है ठीक है बीके के अंदर स्टोर होगा अब यहां पे क्या है ये तो हो गया अब अब आपको बाइक के थ्रू नहीं कॉल करना है अब आपको बीके के थ्रू बाइक को कॉल करना है अब मैं चाहता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी हो तो डिस्प्ले करने के लिए हम लिखते हैं कंसोल कंसोल एक क्लास का नाम है और राइट उसकी प्रॉपर्टी है कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट .right राइट लिखते हो तो उसकी एक क्या है एक प्रॉपर्टी है किसकी इस क्लास की प्रॉपर्टी है कंसोल मतलब क्या वो ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है उसको हम लोग कहते हैं कंसोल उस पर मुझे क्या करना है राइट करना है तो कंसोल क्लास के अंदर में राइट एक प्रॉपर्टी होगी और राइट क्या करना है तो मेरे को डबल कोर्स में राइट करना होगा जो भी राइट करोगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करोगे यानी डबल कोर्ट में करोगे तो क्या राइट लिखना चाहते हो आप देखना चाहते हो द नेम ऑफ द बाइक इज ये मेरा एक स्पेसिफिक मैसेज हो गया मैसेज जो मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ चाहता और मैं क्या चाहता हूँ कि किस क्लास में क्लास में जो है वो कॉल हो जाए यहां पे मैं लिखना नहीं है मुझे वो कॉल करना चाहता हूं कॉल तो करने के लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था बाइक का उसका नाम क्या है बीके बीके hmm. नाम है मैं सीधा यहां क्या लिखूंगा बीके बीके डॉट उसका जो मेथड बनाया था उसका नाम क्या था गेट नेम hmm. देखो गेट नेम आ गया गेट hmm. नेम को कॉल कर लेंगे तो उसका क्या होगा जो भी नेम हम लोगों ने वहां स्पेसिफाई किया था वो कहां पे कॉल हो जाएगा प्लस का साइन हमने नहीं दिया है क्योंकि मुझे यहां पे कॉन करना है जोड़ना है दोनों को जोड़ना है एक स्ट्रिंग हो गया दूसरा स्ट्रिंग ये हो गया तुमने प्लस का साइन दे दिया तो क्या करेगा दोनों को कॉन्टिनेट कर लेगा ये प्लस वो वाला नहीं है वन प्लस वन इक्व टू टू यहाँ पे वन प्लस वन इलेवन वाला ये प्लस है ये क्या करता है डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग होगा तो क्या करेगा दोनों को जोड़ देगा और डेटा टाइप अगर इंटीजर है डबल है डेसिमल है तो क्या करेगा प्लस कर देगा अभी हम करके देखेंगे उसको तो ये क्या करेगा एक पूरी एज एजटी स्ट्रिंग आ गई ये वाली उस स्ट्रिंग के साथ इसको स्ट्रिंग को जोड़ देगा ये स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है बाइक के नेम को और बाइक का नेम क्या है बुलेट थ्री फिफ्टी तो डिस्प्ले कर देगा तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं यही सेम एक ही लिखता हूँ फिलहाल मैं और यहाँ पे अगर मैं इसको चाहता हूँ कि आउटपुट दिखे तो मैं क्या करूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन उसको रीड करा दूंगा मैं कंसोल डॉट रीड लिख देंगे तो क्या करेगा वो रीड कर लेगा कंसोल को रीड कर लेगा अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोग्राम में जाएंगे और कंसोल एप्लीकेशन एट की प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे हम क्या करेंगे कंसोल डॉट प्रोग्राम क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वही क्लास आपका शो करेगा जिसके अंदर में मेन फंक्शन है जिसमें मेन फंक्शन डिक्लेयर नहीं है वो क्लास कभी भी यहाँ पे शो नहीं करेगा और कर वो रन नहीं कर सकता तो रन करेगा उसका भी नाम दिखेगा उसको ठीक है अब मैं इसको रन कराता हूँ अभी देखो आउटपुट क्या आएगा कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा कंसोल पे आउटपुट आएगा द कलर द नेम ऑफ द बाइक इज बुलेट थ्री फिफ्टी बुलेट थ्री फिफ्टी कहां से कॉल हो रहा है बाइक क्लास से आपने बनाया कहाँ पे है प्रोग्राम का ये हमने यहाँ पे डेवलप किया और हमने क्या किया दूसरी क्लास में उसको कॉल कर दिया इंडिया में हमने लॉन्च कर दिया इंडिया के लोग उसको दिख रहे हैं विजिबल है यहाँ पे कि भाई बुलेट थ्री फिफ्टी लॉन्च हो गई है वो दिखेगा उसको यहाँ पे देखो सर दिख रहा है आपको तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये तो हमने उस क्लास में दिया था और ये जो है ये कहाँ से कॉल हो रही है प्रीवियस क्लास से होकर क्या आ रही है तो जो उस क्लास के अंदर में है वही आउटसाइड द क्लास उसको दिखेगा तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है एबस्ट्रेक्शन का

क्योंकि इंजन क्या है प्राइवेट है अगर आप यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया चारों को मैंने पेस्ट कर दिया अब यहाँ पे नेम के बाद क्या था कलर था और ये क्या था प्राइस था और ये था इंजन मैंने इस हिसाब से चेंज कर दिए उसी हिसाब से मैंने यहाँ मेथड के नाम चेंज कर देता हूँ गेट गेट कलर कंट्रोल स्पेस बार दोगे ना तो अपने आप पिक कर लेगा उसके नेम को गेट प्राइस पी लिख के कंट्रोल स्पेस बार करोगे और अपने आप पिक कर लेगा जो नाम है और पी लिख के इंजन ई e करके मैं करूँगा कुछ नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं अगर मैं फोर्सली इसको कॉपी पेस्ट भी कर दूँ ना तो भी वहाँ पर वो गलत शो करेगा इसके इसके मैथड के नाम को यहाँ से मैं कॉपी करके अगर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर तो भी ये गलत बताएगा क्यों बताएगा देखो यहाँ पे अगर आप कर सकते पॉइंटर लाते हो तो यहाँ लिखे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टांसिबल ड्यू टू द प्रोटेक्टेड लेवल ये instance नहीं बन सकता क्योंकि उसका प्रोटेक्टेड लेवल जो है वो प्राइवेट है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते अगर उसको आप पब्लिक कर दोगे तो एक्सेस हो जाएगा बेटा मुझे पब्लिक कराना ही नहीं है क्योंकि एक्सेस लेवल तो, तो वहां पे देना है ना कि कौन सा एक्सेस करेगा और कौन सा नहीं करेगा तो इस लाइन को मैं क्या करता हूं कमेंट कर देता हूं डबल बैक्सप्रेस कर दोगे कमेंटेड हो जाएगा इस पर कोई एक्शन नहीं होगा वापस तो रन कराओ अब आपके तीनों ऑब्जेक्ट वहां पे शो होंगे प्राइस नेम कलर और प्राइस तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल किसके हैं देखो यहां पे आ गया आपके पास में नेम ऑफ द बाइक क्या था 350 फिफ्टी द कलर ऑफ द बाइक इज ब्लैक और द प्राइस ऑफ द बाइक इज टू टू लैक्स तो ये आपका दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन और एब्सट्रैक्शन तो आप भी हम लोग इतना ही कर लेते हैं फिलहाल फिर फिलहाल दो की प्रैक्टिस कर लो उसके बाद फिर दो और रह गया तो मैं सेम मैं आपको बता दूंगा फिर ठीक है स्टॉप करता हूँ